नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल एक्सपर्ट में। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं महादेव टेम्पल जो कि थल नदी में है। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं महादेव मंदिर को। मेरे साथ जा रहे हैं रुचि और मोहित, हम तीनों के तीनों जा रहे हैं थल नदी मंदिर। तो चलते हैं। मंदिर के लिए हमने कुछ फ्लावर्स तोड़े, उनमें रोज थे, और फिर हम चल दिए अपने ट्रैक पर। मोहित ने यहाँ से कुछ बेलपत्र निकाले जो हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। मंदिर जाने के लिए यहाँ पर अच्छी तरीके से रोड भी बनी हुई है, लेकिन हम लोगों ने जो है वो ट्रैक का रास्ता चुना। तो हम गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ट्रैवल के लिए बेस्ट जो हमें लगता है कि हम पैदल ही महादेव के दर्शन करके आएंगे। तो हम लोगों ने पैदल वाला ट्रैक चुना। ट्रैक अच्छा है और यहाँ पर हमें बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी मिली, जिसको कि हम आगे एक्सप्लोर करते जाएंगे। और आप वीडियो में बने रहिए। जैसे हमने गांव में एंटर किया तो हमने वहां पे मिर्ची के छोटे छोटे पौध देखी, वो लगी हुई थी। और इसी तरीके से गांव में मिर्ची को लगाया जाता है। साथ ही यहां से मैं आपको बताऊं कि यहां से जो थल नदी का रास्ता है वो अप्रोक्स यहां से 1.5 से 2 किलोमीटर होगा। फिर हमें यहाँ एक पहाड़ी बकरी मिली, और बकरी जो है मोहित के साथ बहुत फ्रेंडली थी, मोहित उसके साथ खेलने लग गया। बट फिर हम लोगों को जाना था, फिर हम लोग चल दिए। बचपन में हम जब इसे देखते थे तो इसे हम लोग कहते थे कि ये एक मेहंदी है, और इस तरीके से जैसे मोहित के हाथ में हमने ट्रेस किया, इसी तरीके से हम लोग ट्रेस करते थे। बड़े ईजिली रिमूव भी हो जाता है, एक तरीके से हम बोले तो इरेजेबल है ये बहुत ईजी तरीके से। और जैसे ही हमने देखा कि व्यू, तो उस व्यू के अंदर हमें बहुत सारे एनिमल्स दिखे। साथ ही उनको चराने के लिए जो लोग आए हुए थे वो लोग थे, और पूरा का पूरा एक नेचर का जो फील होता है वो फीलिंग हमें वहाँ पे फील हुई। और लिटरली इतना प्यारा लग रहा था उन्हें देख के कि पूरे खेत में उनकी गाय बकरियाँ बहुत अच्छे से चर रही थी, और साथ ही साथ वो लोग भी खूब सारी बातें कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे।
यहाँ देखिए नंदी महाराज, नंदी महाराज आराम से पूरे रास्ता घेर के खड़े थे। फिर हमने नंदी महाराज को थोड़ा प्यार किया और नंदी महाराज ने अच्छे से अपना फ़ोटो शूट कराया और फिर हम आगे चले गए। एक बड़ी गलती की कि मुझे ऐसा लगा कि इस रास्ते में भी कम ही पानी होगा और मैं शूज़ पहन के ले आया, बट साथ ही जो रुचि और मोहित थे ये लोग तो चप्पल पहन के आए थे। तब फिर मुझे अपने जो जूते थे उतारने पड़े और शूज़ उतारने के बाद मुझे उन्हें हाथ से कैरी करना पड़ा। हम लोग मंदिर पहुंच गए और मंदिर पहुंचने के बाद हमने देखा यहाँ भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ थी, तो हम लोगों ने वेट किया और हमें यहाँ कशिश भी मिली। तो हमने कशिश से बहुत सारी बातें की और फिर अपना टाइम ने स्पेंड किया और फिर हमारा जब टर्न आया तो हम लोग फिर पूजा करने चले गए और फिर हमने महादेव को अच्छे से जल चढ़ाया, धूप वगैरह जो भी हम लोग पूजा करते हैं फ्लावर्स चढ़ाए और साथ ही हम लोगों ने अपनी जो विशेज़ हैं वो नंदी जी से भी मांगी। तो हम लोगों का आज का जो दिन था वो बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ।